हमारे तेकुक शिपर्स हमेशा से ये बात प्रूफ करने में लगे रहते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे तेकुक को पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे तेकुक का जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कई सारे तेकुक शिपर्स मानते हैं। और रिसेंटली वी ने जंगकुक के लिए और जंगकुक ने वी के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसको देखने के बाद कई लोगों का कहना है कि अगर रिलेशनशिप गोल्स हो तो ऐसे ही हो वरना ना हो। लेकिन आखिर जंगकुक ने वी के लिए ऐसा क्या किया है, वो जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। और अगर तेकुक के सबसे फनी और क्यूट मोमेंट्स देखना चाहते हो और हंसना चाहते हो तो हमारे चैनल एडोफेक्स रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए दिया है। तो देखा गया था कि जब रीसेंट एपिसोड में, यानी आर यू श्योर के एपिसोड में, वी काफी डरे हुए थे क्योंकि वो लोग ना सब गेम्स वगैरह खेलने गए थे आर्केड में। तो आपको याद होगा कि एक बार पहले भी ऐसा आया था, बताया गया था कि एक बार वी को हाइट से काफी डर लगता है। तो बीटेस रन के एक एपिसोड में कई सालों पहले देखा गया था कि वी काफी ऊंचाई से ऐसे जंप मार रहे थे और वो सामने लटका हुआ सामान नहीं पकड़ पाए थे और गेम हार गए थे। तो फाइनली वीमिन कुक उसी आर्केड में दोबारा गए थे और वहीं पर गेम्स खेल रहे थे। देखा गया कि वी वापस से उतनी ही हाइट पर चढ़े और काफी डरे हुए थे, लेकिन इस बार जंगकुक ने मेक श्योर किया कि उनके वी को डर ना लगे। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, बट पता है जंगकुक ने क्या किया? साइड में वॉल क्लाइंबिंग थी स्पेशली वी के लिए। जंगकुक उस पूरी वॉल क्लाइंबिंग पे चढ़कर उतनी ही हाइट पर गए जितनी हाइट पर वी खड़े हुए थे और वहां से वी को मोटिवेट कर रहे थे ताकि वी को ऐसा ना लगे कि वी उस हाइट पर अकेले हैं। वहां पे पहुंचने के बाद जंगकुक वी से कह रहे थे कि वी देखो मैं भी यहाँ पर हूँ। और फिर जब वी ने बोला कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो जंगकुक ने बोला कि तुम डेफिनेटली कर सकते हो। और इस बार वी अपने टास्क में सक्सीड हो गए। आगे लटका हुआ पुशिंग बैग वी ने आराम से पकड़ लिया और ये देखकर आर्मीज को काफी खुशी हुई। हालांकि कई सारे तेकुक शिपर्स का कहना है कि ये एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है जो जंगकुक ने वी के लिए यहाँ पर दिखाया। मतलब वी को डर ना लगे इसके लिए जंगकुक कितनी हाई वॉल क्लाइंबिंग पर भी चढ़ गए और वहां से वी को मोटिवेट कर रहे थे। सच में जंगकुक और वी का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। और जो लोग भी बोलते हैं कि तेकुक की शिपिंग रियल है, कहीं ना कहीं उनका मानना है कि इस बात से प्रूफ होता है कि हाँ सच में तेकुक रियल है, क्योंकि ऐसे एफर्ट्स कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। इनफैक्ट जिमिन, जिनको वी का सोलमेट कहा जाता है, वो खुद नीचे से वी को मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन जंगकुक ने इस बार सोचा कि इस बार नीचे से नहीं बल्कि वी को उनके साथ रहकर ही मोटिवेट किया जाए। तो आप मुझे बताओ कि तेकुक का ये क्यूट मोमेंट आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि ये एक प्रूफ है जंगकुक के थ्रू ये बताने का कि तेकुक की शिपिंग रियल है? और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलता है आपसे अगली वीडियो के साथ।